नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम आपके लिए बजट स्मार्ट वॉच ले गया है। उसका जो प्राइस है उसके हिसाब से उसके अंदर जो फीचर्स है वो सभी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। जो कि मैंने ये स्मार्ट वॉच है वो पहन रखी है। यहाँ पे इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। माइक्रोवेयर कंपनी की W97 इसका मॉडल नंबर है। इसी का ही आज के वीडियो में कम्प्लीटली अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके सेंसर्स को टेस्ट करेंगे, इसका जो कॉलिंग फीचर्स है उसको टेस्ट करेंगे, इसका डिस्प्ले क्वालिटी कैसा है, XYZ इसके अंदर जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी फीचर्स है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप करते हुए, तभी आपको समझ में आएगा बजट स्मार्ट वॉच है, आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और आज का वीडियो स्टार्ट। माइक्रोवेयर W97 स्मार्ट वॉच का बॉक्स है वो इस टाइप का देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड में स्मार्ट वॉच का फोटो मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इसके डिस्प्ले की बात करें तो 1.92 इंच की इन्फिनिटी डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पे साइड में आपको हाईलाइट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैक्टिव प्रो इसका एप्लीकेशन है। ब्लूटूथ कॉलिंग इसके अंदर दिया गया है, ब्लूटूथ से कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, स्पोर्ट्स मोड इसके अंदर दिए गए हैं। फिर यहाँ पे बैक साइड में भी आपको हाईलाइट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का QR कोड देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स को ओपन करते देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है, इसको पहले करते हैं साइड में। एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है जो कि पोको पिन चार्जिंग केबल है, और यूजर मैनुअल देखने को मिल जाती है। इसके वेट की बात करें तो 47 ग्राम इसका वेट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इसके स्ट्रैप की बात करें तो एवरेज क्वालिटी के सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो बॉर्डर दिखाई दे रही होगी ये पूरी मेटल बॉडी है, और बैक साइड में आपको ग्लास देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्राउन दिया गया है जो कि वर्किंग क्राउन है। फिर यहाँ पे माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक्शन बटन देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, बैक साइड में यहाँ पे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। स्मार्ट वॉच को ऑन करना तो ये वाला बटन है, उसको सिंपली से आपको प्रेस करना है। दोस्तों वॉच फेसेस इसके चेंज करना चाहते हो तो क्राउन को आपको स्क्रॉल करना, तो यहाँ पे वॉच फेसेस है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसके डिस्प्ले की बात करें तो 1.92 इंच की IPS स्क्रीन इसके अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे रिजोल्यूशन की बात करें तो 240x283 पिक्सल इसके अंदर रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे स्मार्ट वॉच को ऊपर से स्वाइप डाउन करते तो यहाँ पे शॉर्टकट फीचर्स मेंशन किए हुए, ब्लूटूथ कॉलिंग है, QR कोड है, DNB मोड है, ब्राइटनेस का है, अली पे देखने को मिल जाता है, जिसको आप एक्सेस नहीं करें तो बेहतर है। फिर यहाँ पे 6 टाइप के अलग अलग मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से स्मार्ट वॉच को ऑफ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सेटिंग के अंदर फ्लैश लाइट का फीचर्स है, स्क्रीन टाइम है वो कम ज्यादा करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हो। मैक्सिमम वो 30 सेकंड और मिनिमम वो 5 सेकंड का देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस का है, वॉल्यूम कम ज्यादा करना चाहते तो वो कर सकते हो। वाइब्रेशन का है, मेलोडी के अंदर कॉलर रिंगटोन है, नोटिफिकेशन ऑन है वो चेंज करना चाहते तो वो कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन का QR कोड देखने को मिल जाता है, भाषा चेंज करना चाहते तो वो कर सकते हो। रिस्टोर के अंदर जाते तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच की जो सेटिंग है वो रिस्टोर करना चाहते तो वो कर सकते हो। अबाउट के अंदर इसका इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे लेफ्ट से राइट साइड में स्वाइप करते हो तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको अलग अलग ऐप प्रोवाइड किए हैं, तो आप इनको एक्सेस करना चाहते हो यहाँ से तो आप इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है, वेदर अपडेट देखने को मिल जाता है। नीचे से स्वाइप अप करते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप स्मार्ट वॉच को फोन से कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर शो होंगे। फिर यहाँ पे राइट से लेफ्ट साइड की तरफ स्वाइप करते तो पेडोमीटर देखने को मिल जाता है, हार्ट रेट देखने को मिल जाता है, स्लीप मॉनिटरिंग देखने को मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, वेदर अपडेट जानना चाहते हो तो वो जान सकते हो। क्राउन को प्रेस करते ही स्मार्ट वॉच का मेन मेन्यू वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर डायल है, कॉन्टेक्ट्स है, हिस्ट्री है, मैसेजिंग है, सेटिंग्स है, फिर यहाँ पे अलार्म क्लॉक है, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, वेदर अपडेट जान सकते हो, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, स्लीप मॉनिटरिंग है, ब्लड प्रेशर है, स्पोर्ट्स मोड है, कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन दिया गया है, स्टॉप वॉच है, ब्लूटूथ है, लास्ट में पेडोमीटर देखने को मिल जाता है। तो मेन मेन्यू के अंदर भी आपको बहुत सारे फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हार्ट रेट के अंदर डिफरेंस है वो देख सकते हो, कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसके सेंसर्स है वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं इसके बैटरी की, तो इसके अंदर आपको 210 mAh की लिथियम लियोन की बैटरी देखने को मिल जाती है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे 1 से 2 दिन तक इसका बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है।
तो दोस्तों इस वाली स्मार्ट वॉच का आपने अनबॉक्सिंग देख लिया है, इसके फीचर्स हैं उनको जान लिए, इसका स्पीकर क्वालिटी कैसा, डिस्प्ले क्वालिटी कैसा, उसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये स्मार्ट वॉच है वो आपको 1000 के आसपास मिल जाएगी। मैं इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट करना चाहते हैं इसका प्राइस या फिर इसको बाय करना चाहते हैं तो वहां से आप कर सकते हो। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो, आज का अनबॉक्सिंग, आज की ये स्मार्ट वॉच आपको पसंद आई होगी। स्मार्ट वॉच पसंद आई, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।